अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। और आप देख रहे हो टेक हस्पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी लाइट ड्रेस कैसे ला सकते हो। कोई भी पिक्चर में लाइट ड्रेस बहुत ही एक अच्छी प्रोफेशनल तरीके से लोग फोटोशॉप वगैरह में करते हैं, लेकिन फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें आपको समझ नहीं आएगा। फोटोशॉप ज़्यादातर मैं भी यूज़ नहीं करता, बहुत ज़्यादा कम यूज़ करता हूँ। जैसे पीसी वर्जन जो होते हैं, जैसे लाइट रूम वगैरह बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ लाइट रूम एंड्रॉइड वाले वर्जन की वजह से कैसे आप अपनी मतलब फोटो को बिल्कुल उसके अंदर लाइट ड्रेस ला सकते हो, वो भी ऑरिजिनल। चलो देखो, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। और सबसे पहले आपने लाइट रूम खोल लेना। लाइट रूम में ऐड करना सबको आता है, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं कि फोटो को कैसे लाइट रूम में ऐड करते हैं। मैंने जैसे पहले से एल्बम बनाया है, यार आप भी एल्बम बना लिया करो, ताकि एक जो मतलब आपको ईजी रहता है वहाँ से। अब जैसे मैं इस वाली पिक्चर को एक इम्पोर्ट कर लेता हूँ, उसको मतलब ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में ऑटो रोटेट खोल लेता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। उसके बाद में कलर ग्रेडिंग तो आपको नहीं बताऊंगा, कलर ग्रेड मुझे पता है किसी को भी 10 मिनट की वीडियो में या आधे घंटे की वीडियो में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। बता दूं, इस वाली जो फोटो आप अभी एडिट कर रहे हो, उस वाले में डीहेज लाजमी बढ़ाना, क्योंकि डीहेज जब तक नहीं बढ़ाओगे तो एक वो अच्छी लुक नहीं आएगी। कलर ग्रेडिंग वाला जो टूल होता है, जिससे मतलब जो सर्कल होता है, जिससे आप जो मतलब कलर ग्रेडिंग अपनी कर सकते हो, शेडोज और हाइलाइट्स वगैरह, उसको लाजमी तरीके से करना, ताकि आपको मतलब एक अच्छा रिजल्ट मिले। अपने मेन मुद्दे के ऊपर कि लाइट रेस कैसी ला जाए, जो स्टेप्स में फॉलो कर रहा हूँ आपने वही करना है। लेकिन आपको ये फ्री वर्जन में नहीं मिलता, आप या तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, पेड मतलब उसको पे करके डाउनलोड कर सकते हो प्रीमियम वर्जन को। यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, कोई भी वीडियो जाके देख लो, वहाँ पर आप सिंपली उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वाली वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, आपने ब्रशिंग टूल इस्तेमाल करना है, ब्रश वाला टूल लेना है जो सिलेक्टिव टूल में आपको मिलता है, और वहाँ से आपने लाइट रेस क्रिएट करनी है, मतलब एक सीधी लाइन आपने सिर्फ बना दी। लाजमी याद रखनी, जब लाइन बना लो तो उसके बाद आपने एक्सपोजर उसका लाजमी बढ़ाना है, ताकि एक वो लाइट बने। डीहेज को माइनस साइड पर लाजमी रखना है, क्योंकि जब तक आप डीहेज को माइनस साइड पर नहीं रखोगे, तब तक वो वाला लुक नहीं आएगा जो आप पिक में देना चाहते हो। और फोटो का लुक, जैसे कि आपके सामने के फोटो में कितने अच्छे एक लाइट रेज आ चुके, मैंने प्रोफेशनली तरीके से और मतलब फुल तरीके से निकाले, क्योंकि मुझे पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि आधे घंटे की वीडियो किसी को भी नहीं देखनी, इसलिए आप प्रोफेशनली तरीके से और एक अच्छे तरीके से करना, ताकि आपको एक बेटर लुक मिले और बेटर रिजल्ट आपको आए। साइड से थोड़ी नॉइज आ रही होगी, इसलिए क्योंकि यार वहाँ पर पीछे काम चल रहा है, मतलब रोड साइड पर, इसलिए आपको थोड़ी नॉइज आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। लेकिन अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो फिर जो लाइक मस्त कर देना, सब्सक्राइब या बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, भाई को दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।